हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च 2019 तो उनतीस मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं बिफोर वी स्टार्ट दिस आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट आई ए एफ एस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज संग इट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन टू थाउजेंड एट इन न्यू डेली Second statement is saying that it will be held once in every three years. Which of the following are correct? One only, two only, both or none? Question number two is with reference to tribunals, consider the following statements. Tribunals regarding which state statements are First is, it is a court established to adjudicate disputes related to specific matters. स्टेटमेंट टू इज सिंग आर्टिकल टूटी थ्री एफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एक्सक्लूसिव पावर टू द पार्लियामेंट फॉर स्टेब्लिशंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यून अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी थ्री ए तो मतलब की स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि आर्टिकल टू ट्वेंटी थ्री ए जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को फॉर स्टेबलिशिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी थ्री ए अब बताना है कौन सा सही कौन सा गलत ऑप्शन आर वन ऑनली टू ऑनली बोथ या नन Question number 3 is with reference to electoral bond scheme consider the following statements first it can be purchased by any citizen of india or a body incorporated in india second it will bear the name of the donor which of the following statements are correct one only two only both or none these are the three questions for you today please do try to answer these questions in the comment section below you can also find the link to get our pdf as well as join our social media platforms from the links given in description and comment section below फर्स्ट न्यूज यू एस सर्कुलेट्स रेजोलूशन ऑन अजहर इन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग सेंक्शन अगेंस्ट द जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर एट द यूनाइटेड नेशन बाई सर्कुलेटिंग रेजोल्यूशन अमंग सिक्योरिटी काउंसिल मेम्बर्स ओके तो यू एस ए ने खुद यह चलाया है एंड दे आर ट्राइंग टू सर्कुलेट अ ड्राफ्ट रेजोल्यून अंग द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स अब आपको ट्वेल्व सिक्सटी सेवन सेंशन कमिटी के बारे में पता ही होना चाहिए ट्वेल्व सिक्सटी सेवन सेंशन कमेटी क्या है इट्स अटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ट्वेल्व सिक्स इट वॉज स्टैब्लिड्लिश परसुए टू रिजोल्यूशन ऑफ इन नाइनटीन नाइनटी ये उन्नीस में बनी थी रिजोल्व करने के लिए क्या रेजोल्व करने के लिए बेसिकली ये सैंक्शंस लगाने के लिए बनी थी ओवर द अकायदा एन ताल तालिबान ओके okay? अलकायदा एंड तालिबान सेंक्शन कमेटी भी इसको बोलती है इट इज़ फॉर सेंक्शन अमंग अलकायदा एंड तालिबान इसीलिए इसको अलकायदा एन तालिबान सेंक्शन कमेटी भी बोलते हैं इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ट्वेल्व कमेटी रेजोल्यूशन बोलते हैं ये 1999 में हुआ था और किसके ऊपर बेसिकली इसका सैक्शनस था अलकायदन तालिबान सैक्शनस के ऊपर ओके दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेगा हावर इन कोर्स ऑफ टाइम द ट्वेल्व सिक्सटी सेवन सेंक्शन रिजीम हैज बीन मॉडिफाइड एंड स्टैंडर्ड बाई सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशन इसको टाइम के साथ साथ और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है ओके एंड बेसिकली जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं उन सबको फ्रीज करने के लिए जो टेरिस्ट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर सैक्शन लगाने के लिए इसको uh, पास किया जाता है सो दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट ये इसके अंदर जो चीज आती है उसके अगेंस्ट सेंशन लगा जाता है और उसको टेरिस्ट घोषित किया जाता है दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्वेल्व सिक्सटी सेवन सेंशनस कमीटी याद रखेगा ओके सो ट्वेल्ल्व सिक्सटी सेवन सैक्शन कमिटी याद रखेगा दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टें और इसमें इस कमेटी में जो बेसिकली पंद्रह मैं पंद्रह मेंबर्स हैं और डिसीजन होता है वो कंसेंसस से लिया जाता है ट्वेल्व सिक्सटी सेवन कमेटी के अंदर अगर कोई चीज़ आएगी तो सारे मेंबर्स को उसके लिए हाँ कहना पड़ेगा इसीलिए चाइना ने अपोज़ किया जब तो फिर मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेरिस्ट घोषित नहीं कर, कर पाए क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स का कंसेंसस ज़रूरी है फॉर ब्रिंगिंग एनी थिंग अंडर ट्वेल्थ सिक्सटी सेवन सेंशन कमेटी यू हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर एंड चाइना वॉज डूइंग गॉट चाइना ने मना कर दिया अपोज कर दिया एंड दैट इज़ द रीज़न वाई Uh... मसूद अजहर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल टेरिस्ट फिर उसको इसके अंदर्गत नहीं लाया गया सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिस के बारे में आपको पता इट इज वन ऑफ सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इट इज़ वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ दूनाइट नेशन एंड इस चार्ज विद में मैंटेनेस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मैंटेन करने का काम बेसिकली किसका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है ये फिफ्टीन मेंबर्स है जिसमें पांच परमानेंट मेंबर होते हैं और दस जो होते हैं वो टेम्प्रेरी मेबर्स होते हैं जो रोटेशन वाइज आते हैं तो पांच जो परमानेंट है उसका नाम है यूएसए यूके रशिया फ्रांस एंड चाइना याद रखिएगा। रशिया फ्रांस एंड चाइना दीज आर द फाइव परमानेंट मेंबर्स और बाकी के जो दस हैं वो रोटेशन वाइज आते हैं जो कि दो, दो साल का टर्म सर्व करते हैं सर्व फॉर अ टू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड द पावर्स ऑफ यून एस सी इंक्लूड्स दस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन द स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सैक्शन ऑथोराटाइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन ड्यूरिंग सिक्योरिटी काउंसिल रेजोलूशन एंड इट इज दू एन बॉडी विद अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोलूशन टू द मेबर स्टेट्स एकमात्र यूवन बॉडी है जिसके पास अथॉरिटी मेंबर स्टेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद रखेगा है ना अब यहां पर एक और कमिटी के बारे में लिखा गया देखो इट इज इन अ रिलेटेड बट सेपरेट डेवलपमेंट द सिक्योरिटी काउंसिल पास रेजोल्यूशन टू फोर सिक्स टू ऑन टेररिज्म फाइनेंसिंग तो अभी एक और रेजोल्यूशन पास किया गया है ऑन टेररिज्म फाइनेंसिंग जिसका नाम है टू फोर सिक्स टू तो अगर आपसे पूछता है कि रेजोलूशन टू फोर सिक्स टू किस रिलेटेड है तो ये सेपरेट रेजोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू टेररिज्म फाइनेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद रखेगा टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड है एंड द रेजोल्यूशन स्ट्रेसेज Uh, that the primary responsibility of the member states is countering terrorist act and reiterating their obligations to prevent and suppress the financing of terrorist act as well as uh, it calls upon the, all the states to become a party to the international काउंटर टेरिज्म कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स एज सुन एज पॉसिबल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू फोर सिक्स टू रेजोलूशन याद रखिएगा यून रेजोल्यूशन टू फोर सिक्स टू जो कि किससे रिलेटेड है टेरिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड है और ये सभी मेंबर स्टेट से ये आह्वान करता है बेसिकली टू कि वो पार्ट बने इंटरनेशनल काउंटर टेरिज्म कन्वेंशंस का और जल्दी से जल्दी फाइनेंस जो हो रहे हैं टेरिस्ट तरिस, तरिस, फाइनेंसिंग उसके ऊपर किसी तरीके से स्टॉप लगाया जाए उसके ऊपर किसी तरीके से एक ब्रेक लगाया जाए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार्स स्टेटिंग ऑफ कास्ट इन प्रोसीडिंग अब देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग होती तो एक कॉलोनियल प्रोसेस चलती है जैसे कि कोई बंदी है कोई कैदी है अगर एक्यूज है तो उसकी कास्ट भी लिखी जाती है जैसे वारंट होता है वारंट में उसकी कास्ट लिखी जाती है तो बेसिकली वो पूरा एक कॉलोनियल प्रोसेस ही है जिसके तहत कैदी का नाम कैदी के पिता का नाम उनकी माता का नाम उसके उसके पूरे फैमिली का इंफॉर्मेशन उसकी कास्ट भी इंक्लूड की जाती थी बट नाउ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैव इंस्ट्रक्टेड दैट पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़ दैट दे विल नॉट बी मैंशनिंग द कास्ट ऑफ द एक्यूज ओके दे विल नॉट भी द कास्ट ऑफ द एक्यूज और विक्टिम और विटनेस इन द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ये तीनों का, का कास्ट नहीं मेंशन किया जाएगा चाहे अक्यूज हो चाहे विक्टिम हो चाहे ही विटनेस ही क्यों ना हो लेकिन उसका कास्ट नहीं मेंशन किया जाएगा एंड द प्रोसीडिंग नोटेड दैट द कास्ट सिस्टम वाज प्रोफाउंडली लॉजिकल एंड वाज वाज आल्सो एक्टिंग अगेंस्ट द बेसिक टेनर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देर कास्ट का मेंशन अब नहीं किया जाएगा पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ याद रखेगा हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स में अब कास्ट का मेंशन नहीं किया जाएगा एंड ए कोलोनियल प्रोसेस जो कि चलती आ रही है इनफैक्ट आज आज भी चलती है आई कैन टेल यू इन मच बेटर वे क्योंकि मैं इस चीज़ को रोज देखता हूँ तो आई कैन टेल यू दैट ओके कि ये प्रोसेस चलती है सो दैट इज द थिंग नाउ एस टी डिमांड फॉर डोमिनेंट ग्रुप्स फ्यूल्स कैंपेन्स इन आसाम बेसिकली कुछ कम्युनिटीज के नाम है जिनके नाम मैं बता देता हूँ आपको आदिवासी चुटिया कोच राजवंशी माटक मोरन ता अहोम दीज आर द कम्युनिटीज ऑफ असाम विच आर डिमांडिंग द एस टी स्टेटस एट प्रेजेंट देखो ये कम्युनिटीज कम्युनिटीज हैं आदिवासी चूटिया कोच राजवंशी मातक मोरन एंड ताई अहोम दे आर करेंटली इन ओबीसी लिस्ट अभी ये List में है एंड टुगेदर दे फॉर्म साइजेबल चंक ऑफ वोटर्स इन एटलीस्ट नाइन ऑफ फोर्टीन लोकसभा कंस्टिट्यूंसी तो चौदह लोकसभा कांस्टिट्युएंसी असाम में है उनमें से नौ में काफी ज्यादा मेजोरिटी फॉर्म करते हैं और अभी ओबीसी लिस्ट में है बट दे आर डिमांडिंग फॉर द एस स्टेटस सिमिलरली मिटीज जो है मिटीज आर डिमांडिंग द एस स्टेटस इन मणिपुर ओके okay. तो ये मणिपुर कम्युनिटी में जो है, ST तो ये याद रखेगा ट्राइब्स के नाम असम के लिए याद रखेगा, मीटी के नाम, के लिए याद रखेगा. वहाँ पे पूछ सकते हैं तो ये किस स्टेट में रहने वाली कम्युनिटी है ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ना वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजे आगे मूव करते हैं राजन स्ट्रे स्ट्रे स्ट्रेस ऑन फोकसड टारगेटिंग ऑफ न्याय हैंड आउट तो न्याय हैंडआउट के बारे में जो बेसिकली स्कीम अभी राहुल गांधी ने की कही थी कि न्यूनतम आय योजना जिसके तहत वो बहत्तर हज़ार रुपये देंगे तो अभी रघुराम राजन जी अपने किताब के बारे में बता रहे थे द बुक इज़ नेम्ड एज द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड Uh, याद रखेगा किताब का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड दिस बुक बाय रघुराम राजन ना उन्होंने एक चीज़ बेसिकली बोली कि जो ये पैसा दिया जाएगा अगर इसको सही तरीके से हैंडल किया जाए सही तरीके से मॉनिटर किया जाए तो काफ़ी कुछ इसका हेल्प हो सकता है क्यों क्योंकि बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड पुअर इनफ कैपेबिलिटीज सो दैट की वो बेटर हेल्थ केयर बेटर न्यूट्रीशन बेटर स्कूलिंग और बेटर कैपेबिलिटीज़ बना सकें ओके okay? तो बेसिकली अगर ये आप कर पाते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द्रोथ ऑफ द कंट्री ऑल्सो ओके तो अगर ज़्यादा अच्छे से कज कंज्यूम कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर पाएंगे स्किल डेवलपमेंट हो सकता है ज़्यादा अच्छे से अगर व एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट हो बटर स्कूलिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये ये सारी चीज़ें करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही चीज़ रघुराम राजन ने भी कही कि अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए दैट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प एंड इस समय जो लोअर स्टाटा है वहाँ पे एग्रीकल्चर का डिस्टर्स भी बहुत ज़्यादा चल रहा है तो किस तरीके से अगर वो पैसा यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मदद मिल सकती है, है ना तो ये सारी चीज़ें हैं एंड uh, यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे रघुराम राजन ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट फैक्टर सच एज करप्शन डिसबिलीफ इन फेयरनेस ऑफ करंट सिस्टम टर्न पीपल अगेंस्ट वर्किंग फॉर द बेस्ट पर्सन एंड वोट फॉर ऑटोक्रेटिक पीपल हु प्रेजेज हु प्रोमिस दम अल्टरनेटिवस तो जब करप्शन सिस्टम में आता है डिसबिलीफ आता है फेयरनेस आती है करंट डिसबिलीफ इन द फेयरनेस ऑफ द करंट सिस्टम होता है तो पीपल जो लोग जो रहते हैं वो सही तरीके से वोटिंग नहीं अपनी एक्सरसाइज कर पाते तो ये सारे इशूज़ जो हैं करप्शन के इशूज़ हैं और जो करंट डिसबिलीफ है सिस्टम है उस करंट से भी बहुत सारे गलत डिसीजन जो हैं वोटर्स भी लेते हैं हाँ यहां पे कुछ इको टूरिज्म सेंटर्स हैं जो कि वायनाड वायनाड केरला में है। याद रखिएगा है सूचीपारा वॉटरफॉल का नाम यहाँ पे लिखा है सूचीपारा वाटरफॉल अंडर द मेपादी फॉरेस्ट रेंज ओके कुरुआ आइलेट ऑन द कबनी रिवर यहाँ याद याद रखिए द कुरुआ आईलैंड ऑन द कबनी रिवर ये याद रखिएगा तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कुरुआ आइलैंड कहाँ पर है या कबनी रिवर कहाँ पर है तो ये वायनाड में है सूचीपारा अगर आपसे वाटरफॉल के बारे में पूछता है तो वो भी आपका कहाँ पर है वो भी आपका वायनाड यानी कि केरला में ही है देन आपको यहाँ पे चेथा लायथा फॉरेस्ट रेंज का नाम आ सकता है या चम्बरा पीक आ सकता है तो ये सारे याद रखेगा आपको कहाँ पर है या आपके केरला में है मीन मुटी वाटरफॉल्स भी हैं और कलपेता फॉरेस्ट रेंज भी है तो ये सारे नाम मैं आपको क्यों बता रहा है कि अगर आपसे कहीं पूछता है कुरूआ आइलैंड के बारे में जैसे पूछ लिया कबनी रिवर कुरुवा आइलैंड या फिर सूचीपारा वाटरफॉल या चम्बरा पीक अगर पूछ लेता है या आपसे पूछ लेता है कि कलपेता फॉरेस्ट रेंज कहाँ पर है पदीना रिथरा रिथरा कहाँ पर है तो ये सारे कहाँ पर है केरला में लोकेटेड है इन द वायनाड डिस्ट्रिक्ट ये सारी चीज़ याद रखेगा है ना ना यहाँ पे आपको फोर्थ एथनिक कल्चर मीट लिखा हुआ है तो फोर्थ एथनिक कल्चर मीट याद रखिएगा गुवाहाटी में हो रहा है याद रखिएगा फोर्थ एथनिक कल्चर मीट का मीट कहाँ पर हो रहा है ये गुवाहाटी में हो रहा है फोर्थ एथनिक कल्चर मीट वेयर इट इज़ हेल्ड इट इज़ हेल्ड इन गुवाहाटी अब एन एच आर सच आर सी सी रिपोर्ट फ्राम तो उड़ीसा डीजीपी ऑन मिसिंग वमन एंड गर्ल्स तो एन एचआरसी ने रिपोर्ट मांग की उड़ीसा डीजीपी से ऑन मिसिंग वुमेन एंड गर्ल्स एनएचआरसी के बारे में हमको पता है स्टेट्यूटरी बॉडी जो कि कब किब्लिश हुई थी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट नाइनटीन तो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट नाइनटीन नाइन थ्री इट वॉज स्टेब्लिश एंड ये बेसिकली वॉचडॉग की तरह काम करता है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग एंड लिबर्टी डिग्निटी इक्वलिटी गारंटीड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन सब सब लोग उसी तरीके से रहें ये मेक श्योर करता है प्रेजेंट सिस्टम में भी प्रिजनर्स भी ये सारा चीज देखते हैं एंड इसके मेंबर्स याद रखिएगा कौन कौन होता है बेसिकली एक चेयरपर्सन होता है चार अदर मेंबर होते हैं चेयरपर्सन शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है एक मेंबर होता है रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक मेंबर होता है सर्विंग ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एंड दो मेंबर जो होते हैं दे आर हैविंग स्पेसिफिक नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ओके तो याद रखिएगा ये चार मेंबर्स होते हैं इन एडिशन टू दीज फुल टाइम मेंबर्स ये फुल टाइम मेंबर्स हो गए कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जैसे कि चेयरमैन ऑफ एनसीएससी चेयरमैन

डेप्युटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस का मतलब कि लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी और सेंट्रल होम मिनिस्टर होता है तो ये छह मेंबर में में हो गए एक कमेटी जो कि रिकमेंड करती है टू द प्रेसिडेंट उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है ना एंड चेयरमैन एंड मेंबर्स दे होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर और अंटिल द अटेन द एज ऑफ सेवेंटी ईयर्स तो पांच या सत्तर जो भी पहले होता है दैट विल बी द टर्म फॉर देम एंड प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव द चेयरमैन एंड द मेंबर्स तो दिस इज द कंप्लीट इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एन आई होप आप क्लैरिटी भी आ गई होगी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है एनआरसी के बारे में यहाँ लिखा है तो याद रखेगा पहली बार एनआरसी नाइनटीन में हुआ था जबकि होम मिनिस्ट्री ने उसको कंडक्ट करवाया था अभी जो प्रेजेंट एनआरसी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फॉर चॉकिंग आउट अ प्लान टू रिमूव द

पावर इन स्पेस बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए सेट यानी कि एंटी सेटेलाइट वेपन सिस्टम विच हैज़ बिन डेवलप्ड रिसेंटली बाय इंडिया इन्होंने सक्सेसफुल इसका ट्रायल कर लिया है एंड इट हैज बिकेम अ स्पेस पावर ओनली थ्री अदर कंट्रीज अदर देन इंडिया फॉर एग्जाम्पल यू रशियन चाइना हैव सच एन एंटी सेटेलाइट मिसाइल सिस्टम केवल इन तीन कंट्री के पास थी और अब इंडिया चौथी कंट्री बन गई है एंड विल एक्ट एज क्रेडिबल एड अगेंस्ट अटैक ऑन ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन एसेट्स इन स्पेस इट विल एक्ट एज ए क्रेडिबल डिटरेंस की तरह काम करेगा कुछ कंसर्न भी है जो कैट्रोल में रेस किए गए फॉर एक्साम्पल दिस माइट पुट पुश पाकिस्तान इन टू कॉम्पिटिशन टू डेवलप सच अस्टम पाकिस्तान में होड़ लग जाएगी ये सिस्टम डेवलप करने की सेकंड है इट माइट लीड टू स्पर इन वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस अब वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस शुरू हो सकता है एंड टाइमिंग जो है इस टेस्ट की इंडिकेट करती है दैट इट वाज एम्ड फॉर डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी तो स्पेस से ज़्यादा जो हलचल है वो अर्थ में क्रिएट की गई है ये ही आर्टिकल में लिखा हुआ था कि स्पेस में इतनी ज़्यादा हलचल नहीं क्रिएट हुई जितनी ज़्यादा कि जो कंस्टिट्यूएंसीज और लोकल वोटिंग पैटर्न में ये इसके कारण का हलचल क्रिएट की गई है तो वही चीज़ ऑथर ने भी कही है एंड एक अच्छी चीज़ ये है कि लो अर्थ ऑर्बिट में ट्राई किया था इसलिए ज़्यादा स्पेस डबरी क्रिएट नहीं होगा इट इज नॉट क्रिएटेड मच स्पेस और लेकिन ऑथर ने यह भी कहा है कहीं है कहीं कहीं एक इलेक्शन भी हो सकता है क्योंकि ऐसा टाइम जो था इसका टेस्ट का और उस समय जैसे मीटिंग बुला ली गई तुरंत और जो आर्टिकल गोलन हाइट्स गोलन हाइट्स के ऊपर अभी सॉवरनिटी को यूएस ने रिकगनाइज कर लिया है कह, कह दिया है कि हाँ ये इसराइल का ही है एंड दिस इज डेंजरस तो ऑथर ने कहा कि गोलन हाइट्स को कैप्चर किया था सीरिया से इसराइल ने 1967 वॉर में जो सिक्स डे वॉर था वहाँ पे 1967 सिक्सटी सेवन उन्होंने कवर किया था और इसराइल ने उसके साथ सिनाई पेनिनसुला ईस्ट जरूसलेम और तीनों गोलन हाइट्स तीनों ही उन्होंने कैप्चर किए थे सिनाई पेनिनसुला उन्होंने इजिप्ट को रिटर्न कर दिया था लेकिन गोलन हाइट्स वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप ये उन्होंने रिटर्न नहीं किया ये उन्होंने अपने पास रख लिया इसको कैप्चर कर लिया इस पर अपना कंट्रोल बता दिया सिंगल uh, हैंडली जो जो ट्रम्प है उन्होंने कहीं कही ना कहीं बहुत ज़्यादा फेवर किया है जरूस ये इसराइल का फॉर एग्जांपल जेरूसलेम को उन्होंने कैपिटल डिक्लेयर कर दिया फिर अभी रिसेंटली उन्होंने ये भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ गोलन हाइट्स पे पूरा इसराइली कंट्रोल है तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है और इस तरीके से ये ऐसे नहीं होना चाहिए था कि आप इंटरनेशनल ऐसे सिंगल हैंडली आर्बिट्रली आप इस तरीके से नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो और वहाँ के जो इन्हीबिटेंट्स uh, हैं टेरेटरी के उनके डिसीजन को बिल्कुल ओवरलुक किया जा रहा है उनकी विशेज को ओवरलुक किया जा रहा है उनकी कोई विश्व को नहीं देखा जा रहा ये सारी चीजें हैं शेप ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है तो ऑथर ने बोला है कि जो प्रॉब्लम केवल के अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है बल्कि वेजेस भी बहुत ज्यादा कम है प्रिकेरियस नेचर ऑफ़ जॉब है एंड मोस्ट ऑफ़ द वर्कर्स आर इंगेज इन फॉर्मल सेक्टर तो केवल और केवल जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं कि जॉब तो कम है ही प्लस जो जॉब्स हैं वहाँ वेजेस कम है जो नेचर है वो बहुत सही नहीं है और जो वर्कर्स इंगेज हैं बेसिकली वो अन इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा इवोल्व हैं ओके दे आर मच मोर इंगेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑथर हाईलाइट दैट सिटीज आर ऑफन कॉल्ड एज द इंजन ऑफ ग्रोथ बट नॉट इन इनफ इज बींग डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज सिटीज तो इंजनस ऑफ ग्रोथ तो आप ठीक है सिटीज को बोलते हो लेकिन उनके लिए आप कर क्या रहे हो वहां पर आप इंप्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या कर रहे हो एंड दिस द नीट टू इंट्रोड्यूस जॉब गारंटी प्रोग्राम्स फॉर द अबन एरियाज ऑथर ने कहा है कि जॉब गारंटी प्रोग्राम्स की जरूरत है आप जॉब गारंटी प्रोग्राम्स क्यों नहीं स्टार्ट करते अर्बन एरियाज में तो ये सारी चीजें ऑथर ने कही हैं एंड अलॉन्ग विद एड्रेसिंग द कंसर्न ऑफ अंडर इंप्लॉयमेंट

और हमने देखा कि इनफॉर्मलाइजेशन कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है बेसिकली कैजुअल सेक्टर में ज़्यादा वर्कफोर्स जा रही है इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा वर्कफोर्स जा रही है ना कि फॉर्मल सेक्टर में एक सोल्यूशन ऑथर ने कहा है कि जो यू एल बीज हैं जो अर्बन अर्बन लोकल बॉडीज़ है वहां पर आप फाइनेंस की व्यवस्था करो और उनको थोड़ा इस तरीके से मदद करो कि वो कुछ प्रोग्राम चला सकें फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस स्किल डेवलपमेंट जो अर्बन यूथ है वहाँ पे कुछ कैपेबिलिटीज इंक्रीज कर सकते हैं तो अगर आप ये चाहते हैं कि अर्बन एरियाज में कुछ हो सके तो अर्बन लोकल बॉडीज की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करो उनको फंड्स प्रोवाइड करो थोड़ा है ना तो ये सारी चीजें ऑथर ने कही है यहाँ पे और आर्टिकल ट्वेंटी वन जो बोलता है कि देर इज़ अ राइट टू लिव राइट टू लाइफ ये सारी चीज़ें एक अच्छी लाइफ जीने का आपको अधिकार है तो ये सारी चीज़ें तब तक नहीं हो सकती जब कोई आप जब तक आपके पास प्रॉपर जॉब नहीं है आप प्रॉपर कमा नहीं रहे हो और अपनी प्रॉपर जो हेल्थ केयर नीड्स हैं एजुकेशन नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बोली हैं एंड देर इज अ नीड टू बिल्ड स्किल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में ये ऑथर ने कहा है द टाइम इज़ राइफ फॉर अ स्किल అనే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ यहाँ पे इलेक्शन इलेक्शन डिपॉजिट के बारे में बताया गया है इलेक्शन डिपॉजिट बेसिकली एक डिपॉजिट मनी होती है इसको हिंदी में जमानत बोलते हैं तो अगर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ इलेक्शन के टाइम बोला जाता है जब रिजल्ट आता है तो बोलते हैं जमानत जब्त हो गई है जमानत जब्त होना मतलब मैं आपको आगे बताता हूँ देखो क्या होता है इलेक्शन लड़ने से पहले एक डिपॉजिट जमा करना पड़ता है कैंडिडेट को फॉर एग्जाम्पल अगर वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जा रहा है तो उनको पच्चीस डिपॉजिट देना पड़ता है और अगर एस सी कैंडिडेट है तो उसको बारह आधा और अगर असेंबली इलेक्शन है तो दस हज़ार रुपये देना पड़ता है और एस को पाँच हज़ार तो बेसिकली ये होता है ये इलेक्शन डिपॉजिट होता है अब अगर उनको वन सिक्स वोट से कम वोट मिलता है इफ़ दे डू नॉट गेट मोर देन वन सिक्स वोट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड देन उनका डिपॉजिट फोर फीट हो जाता है वन सिक्स वोट से कम अगर वो वोट पाते हैं तो उनकी जमानत जब्त तो हो जाती है उनको रिटर्न नहीं मिलती है इसे बोलते हैं जमानत जब्त तो होना याद रखिएगा जब बहुत कम वोट मिलेगा वन सिक्स से कम वोट मिलेगा तो आपकी जमानत जब्त तो हो जाएगी दैट इज़ वेरी वेरी टू फोर सिक्स टू के बारे में फिर से याद रखेगा इट इज ऑन टेरिज्म फाइनेंसिंग टेरिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड रेजोल्यूशन टू फोर सिक्स टू तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेगा अब अरुण जेटली ने कहा है जो आर्टिकल थर्टी फाइव ए है दैट इज कर्बिंग द प्रोग्रेस ऑफ जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस को कर्व कर रहा है आर्टिकल थर्टी फाइव ये आर्टिकल थर्टी फाइव ये आप सबको पता होगा कि इट इज रिलेटेड टू द इन नाइनटीन फिफ्टी फोर में एक प्रेजिडेंशियल ऑर्डर इशू हुआ था जो आर्टिकल सेवेंटी के अंतर्गत था एंड इसमें एक परमानेंट रेजिडेंट के बारे में बताया गया था परमानेंट रेजिडेंट तो आर्टिकल थर्टी फाइव ये बेसिकली एक आर्टिकल है जो कि एम्पावर करता है जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर को टू डिफाइन द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट अब परमानेंट रेजिडेंट के पास बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिवेलेज होती हैं रिगार्डिंग एजुकेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट और वहाँ पे उनके अलग उनको एम्प्लॉयमेंट के साथ रिमूवेबल प्रॉपर्टीज होल्ड करने के अलग अलग पावर्स हैं तो ये वहाँ केवल परमानेंट रेजिडेंट्स को मिला है नाइनटीन फिफ्टी फोर याद रखिएगा वहाँ पर एक प्रेजिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आया था तो वही चीज और तो यहाँ पर अरुण जेटली नहीं बोले कि इसमें कहीं पर भी अमेंड नहीं किया गया था कंस्टिट्यूशन को अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट अब थ्री सिक्सटी एट आर्टिकल याद रखिएगा आपको अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया गया था केवल एक प्रेजिडेंशियल ऑर्डर निकाल दिया गया था तो इस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा ये इशू में रहता है आर्टिकल फाइव ए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस आगे की तरह मूव करते हैं कोलकाता ढाका शिप चलेगा तो फ्रॉम टुडे कोलकाता ढाका शिप विल स्टार्ट अ रिवर क्रूज विल स्टार्ट बेसिकली दिस इज द फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टू कंट्रीज कि एक क्रूज uh, या शिप इस तरह से चलेगा एक uh, यहां से चलेगा और सेमटेनियसली एक बांग्लादेश से चलेगा तो कोलकाता टू तो बांग्लादेश बांग्लादेश टू तो कोलकाता याद रखेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आगे मूव करते हैं आगे के पेजेस में डाटा ओनरशिप इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन अब बेसिकली अभी जो ई कॉमर्स पॉलिसी आई थी उसमें यह बोला गया कि इंडिया एंड इट्स सिटीजन हैव अ सोवरेन राइट टू देयर डाटा ओके सॉवरेन राइट टू देयर डाटा तो बहुत जो ई कॉमर्स जॉइंट है जो कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस चीज से और ये बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है ओके okay? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी जो है और अभी वहाँ पे एक बेसिकली मीटिंग चल रही थी अंदर ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी उसमें ये बोला गया कि डेटा ओनरशिप जो है जो कंपनी जब बोल रही थी ये बिल्कुल अनफेयर होगा अगर आप ऐसा बोलते हैं कि जो डाटा है वो सिटीजन से, से ही बिलोंग करता है पूरा तो ये उन्होंने बोला कि ये अनफेयर रहेगा दिस शुड नॉट हैव बीन द केस यहाँ फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया जा रहा है और जीएसटी के बारे में बताया जा रहा है जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग स्टेट्स ने कंप्लेंट की है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें सेंटर अपने एडवांटेज के लिए काम कर रहा है मतलब सेंटर बहुत ज्यादा स्टेट्स को दबा रहा है अब जी काउंसिल के बारे में बता दू इट्स अ कंस्टिट्यूशनल बॉडी एंड यह आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर्गत बनी हुई है आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर्गत बनी है एंड इट गिवस रिकमेंडेशन टू द यून स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशूज रिलेटेड जीएसटी यानी कि गुड्स एंड टैक्स के रिगार्डिंग

फिनेंस कमीशन के कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए थे तो बता देता हूँ आपको पहला जो एडवांटेज फिनेंस कमीशन का था वो ये है कि दे जो ट्रांसफ़र करते हैं बेसिकली वो करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर स्टेट्स ओके और जो बाकी सेंटर अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करता है वो ज़्यादातर फेवर में रहती है ऑन द फॉरवर्ड और रिचर स्टेट्स तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है फाइनेंस कमीशन का कि जो पुअर स्टेट्स हैं जिनको ज़्यादा जरूरत है उनको फंड मिल पाता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंस कमीशन अदरवाइज अगर हम सेंटर के ऊपर छोड़ दें तो केवल रिच और फॉरवर्ड स्टेट्स को ही देते रहेंगे सारा पैसा दूसरा है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो एक तरीके से इक्वालिटी मेंटेन करके रखता है जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फंड्स होता है उसको मेंटेन करके रखता है और अगर हम नॉन फाइनेंस कमीशन एक्सपेंडिचर को देखें तो वो पुअर स्टेट्स में नहीं जाता है तो वही सेम बात है लेकिन दूसरे तरीके से लिखी गई है तीसरी जो एडवांटेज है जो वो है बोल रहा है कि जो फाइनेंस uh, कमीशन है फाइनेंस कमीशन का एक 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 फार्मूला है बेसिकली तो बहुत ज़्यादा वो साइंटिफिक सिस्टम भी है अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात देखें तो दर इज़ अम्पेरिकल दर इज़ अ फार्मूला कि वो जिस पे जिसके बेसिस पे वो निकालते हैं कि कितना फंड कितने किसको जाना चाहिए तो बेसिकली वो प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू वो पैसा बताते हैं किसको कितना जाना चाहिए आर्बिट्रली और रैंडम इतर इस तरीके से नहीं डालते वो एंड इज अ नीड फॉर अ बॉडी सच एज फाइनेंस कमीशन टू मेक श्योर दैट देर वॉज अ स्टेबल फार्मूला फॉर ट्रांसफर स्टेट ऐसी बॉडी की जरूरत थी यानी कि फाइनेंस कमीशन जैसी बॉडी की जरूरत है एंड uh, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो फाइनेंस कमीशन के एडवांटेजेस हैं इनको याद रखेगा कल मुंबई इंडियंस जीत गई है ना तो वो भी हुआ इसराइल अनवील्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव कहाँ पर है इसराइल में है इसका नाम क्या है द केव इज कॉल्ड मलहाम द केव इज नोन एज मल्हाम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अंडर द माउंट सोडोम तो माउंट सोडोम का नाम याद रखेगा केव का नाम मल्हाम याद रखेगा एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव याद रखेगा इज़राइल में सो दैट इज इट फॉर द डे आई होप यू लाइक आर वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे